हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर से लोगों को प्रदेश में एंट्री दिए जाने के फैसले के बाद कांगड़ा जिला के प्रवेश द्वार आलमपुर पुल पर कल से ही वाहनों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। पिछले दो दिनों में 800 के करीब लोग आलमपुर के एंट्री प्वाइंट से होकर जिला कांगड़ा में दाखिल हो चुके हैं। आलमपुर पुल पर सुजानपुर की तरफ के छोर पर जहां सुजानपुर पुलिस का नाका लगा है, तो आलमपुर की तरफ आलमपुर पुलिस चौकी के जवानों ने मौका संभाल रखा है। आलमपुर पुलिस चौकी के प्रभारी पराक्रम चंद, नायब तहसीलदार आलमपुर व राजस्व विभाग के कर्मचारी बाहर से आने वाले लोगों के ई पास की क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, साथ ही उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज सुबह SDM विक्रम महाजन भी खुद आलमपुर पुल पर मौजूद रहे और उन्होंने खुद वहां बाहर से आ रहे लोगों की जिला में एंट्री के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का निरीक्षण किया। SDM ने बताया कि लोग दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ व प्रदेश के अन्य जिलों से कांगड़ा जिला में स्थित अपने घरों को आ रहे हैं। SDM ने बताया कि सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर उनके घर के बाहर क्वारंटीन के बोर्ड लगाए जाएंगे। SDM ने कहा कि लोगों के होम क्वारंटीन पर सख्त नजर रखी जाएगी और इसका उल्लंघन करने पर FIR दर्ज कर आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जयसिंहपुर से मनीष सूद।